तो शुरू करेंगे क्या? जी तो शुरू करते हैं। हेलो। जी जी सर, सर, जी सर, शुरू करता हूँ। हाँ जी सर, वही रहा था, अब लोग हाँ बोले तो शुरू करें। नॉन स्टॉप 1 घंटा बकबक करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा हिंदी का, पहले हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का, अरे हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। यानी इसमें हम साहित्य के इतिहास के साथ साथ थोड़ा सा भाषा को भी, हम कि हिंदी भाषा कैसे आई, शुरू में तो हमने पढ़ा कि खड़ी बोली हिंदी का देश में कैसे आगमन हुआ, हमने पढ़ा। लेकिन एज ए होल भाषा, क ख ग, ये सब कैसे हुआ, हमारे हिंदी कैसे हुआ, कहीं जर्मनी कैसे हो गया, कहीं ये सब भारतीय आर्य भाषाओं में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की हेडिंग दीजिए। हिंदी, ये है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में हेडिंग दीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और अधिकरण। सर, हिंदी इतिहास साहित्य के इतिहास की भूमिका। और अधिकरण, इसमें 8 खंड है, हमको फटाफट फटाफट से पढ़ना है। और उसमें देखो फिर यूनिट 1 में लिखो काल विभाजन और नामकरण। यूनिट 1 काल विभाजन और नामकरण, यानी इकाई 1 काल विभाजन और नामकरण, इकाई 2 आदिकाल की पृष्ठभूमि, इकाई 2 आदिकाल की पृष्ठभूमि, इकाई 3 नाथ सिद्ध और जैन साहित्य, इकाई 1 काल विभाजन और नामकरण, नंबर 2 आदिकाल की पृष्ठभूमि, नंबर 3 नाथ सिद्ध और जैन साहित्य, नंबर 4 रासो काव्य एवं लौकिक काव्य। ये 4 हमको आज टच करना है। सर ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। ठीक से नहीं दे रही, सुने? नामकरण काल रासो विभाजन का और भी और क्या? नामकरण, काल विभाजन और नामकरण, नंबर 2 आदिकाल की पृष्ठभूमि, नंबर 3 नाथ सिद्ध और जैन साहित्य, नंबर 4 रासो काव्य एवं एवं लौकिक काव्य, अरे लौकिक साहित्य, रासो काव्य एवं लौकिक साहित्य। हो गया? जी सर, अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा था कि इस विषय के लिए, आज के जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास का होना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास
नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ कहीं से भी। हालांकि आपके पास मटेरियल है लेकिन मटेरियल सफिशियंट नहीं है क्योंकि आप मास्टर इन हिंदी के स्टूडेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप क्लास करते हैं तो पूरा क्लास कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बीच में उठ करके छोड़ करके मत जाइए क्योंकि ये इतना ज्यादा चैप्टर है और 1 घंटे में कंप्लीट करना असंभव है। और उसमें से भी अगर आप क्लास करते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं फिर आप बोलेंगे सर आधा समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, तो वैसा नहीं हुआ। इसीलिए क्लास पूरा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। वो बहाने वहाने बेकार की बात है, मेरा बस इतना ही कहना। इसलिए 1 घंटा तो समय निकालिए, ज्यादा समय नहीं है, 1 घंटे का समय आपसे लिया जा रहा है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। और एक क्लास अगर मिस करोगे, ये हिंदी साहित्य का इतिहास का, मेरी एक क्लास मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे, इतना बता दे। इसीलिए क्लास को पूरा अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो हमको पढ़ना है वो पहला है, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं शॉर्टकट में। हर चीज का एक इतिहास होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो लिटरेचर। जिस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास है उस प्रकार अंग्रेजी का भी है, बंगला का भी है, गुजराती का भी है, जर्मनी का भी है, जापानी का भी है, चाइना का, हर का। तो वह हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? याद रखना, इतिहास साहित्य नहीं होता कि साहित्य इतिहास नहीं होता, फिर भी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं। रही बात हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास क्योंकि भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें बेशक हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ा गया है। कहने का मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर समझना है तो पहले आपको 3 बातों को समझना होगा। नंबर वन लिखो, मतलब हेडिंग देना भारतीय संस्कृति और सभ्यता। हेडिंग देना भारतीय संस्कृति और सभ्यता। फिर नीचे क लिखो, ऊपर हेडिंग देना भारतीय संस्कृति और सभ्यता। फिर क लिखिए धार्मिकता का प्राधान्य। क धार्मिकता का प्राधान्य। ख समन्वय की प्रवृत्ति। समन्वय की प्रवृत्ति। नंबर 3 प्रकृति प्रेम। नंबर 3 प्रकृति प्रेम। ये 3 चीजों को मैं जरा आपको फोकस कर दूं। ये तीनों भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ना है तो हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत ये सारी बातों को हमें पढ़ना हो। तो सभ्यता और संस्कृति क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, इसकी चर्चा हम कभी करेंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में ये 3 चीजों को हम विशेष रूप से देखते हैं। क्या है? पहला धार्मिकता का प्राधान्य। धार्मिकता का प्राधान्य मतलब हमारा देश क्या है? हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है, हमारी विचारधारा आध्यात्मिक विचारधारा है। हमारी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। हमारी विचारधारा ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए आचार विचारों की मतलब विचारधारा है।
उन सब को लेकर के हमारे अंदर क्या आती है, उन सब को लेकर के हमारे अंदर आध्यात्मिकता का समावेश होता है। हम हर चीज को, हर वस्तु को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ, ये बात दुख की बात है, ये बात एक विडंबना है, और ये समझ लो ये हमारे पतन की ओर हम जा रहे हैं कि आज हम हर बात को राजनीति की दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, स्वार्थ के दृष्टिकोण से देखने लगे, इसीलिए हमारा आज हर क्षेत्र में वो पतन हो रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचायक नहीं है, और न ही उसका गुण है, और न ही उसका धर्म है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का धर्म क्या है? उसकी धार्मिकता का प्राधान्य। जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम देखते हैं। हर चीज में हमको धर्म दिखता है। पत्थर में भी ईश्वर दिखता है, खंभे में भी ईश्वर दिखता है, पेड़ में भी ईश्वर दिखता है, व्यक्ति में भी ईश्वर दिखता है, व्यक्ति में भी आप जानते हैं। कबीरदास ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी ना तुम्हें कैलाश में, मैं कहीं नहीं, मैं तो तेरे अंदर हूं, लेकिन तुम ढूंढने कहाँ जाते हो? तुम वैष्णो देवी जाते हो, जगन्नाथ धाम जाते हो, द्वारका धाम जाते हो, वो रामेश्वरम जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो। अरे क्यों जाते हो? मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी ना तो कैलाश में। कुछ लोगों ने अपने, याद रखना इस बात को, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ये मंदिरों का निर्माण कर दिया, मस्जिदों का निर्माण कर दिया, चर्च का निर्माण कर दिया, और दुनिया भर के लिए, और उसके लिए वो अपनी पेट पूजा करते। मेरी बात का बुरा मत समझना। जिस प्रकार हमारे, हम जहां काम करते हैं, हमारा एक ऑफिस होता है ना, हमारा एक ऑफिस होता है, उसी प्रकार कुछ पंडों ने, कुछ पुजारियों ने मिल करके मंदिर बना दिया, और वो क्या हो गया? वो उनका भगवान का ऑफिस हो गया, भगवान का दफ्तर हो गया, उनका पेट पूजा चल रहा है। बाकी आपको भगवान मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, उनकी पेट पूजा चल रही, वो मंदिर उनके लिए एक दफ्तर हो गया, भगवान का दफ्तर, पुजारियों का दफ्तर हो गया। जबकि हमारे ऋषियों ने बताया वसुधैव कुटुंबकम, ये इस बात को याद रखना। आध्यात्मिक, हम भारतीय लोग आध्यात्मिक हैं। दूसरा बात, दूसरी बात, दूसरी दूसरा पॉइंट लिखो, समन्वय की प्रवृत्ति। समन्वय की प्रवृत्ति दूसरी पॉइंट, थोड़े भी बहुत समझने की कोशिश करना। समन्वय की प्रवृत्ति, ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमने पहले भी कहा वसुधैव कुटुंबकम। आज आज लोग वो लंबे चौड़े प्रवचन करते हैं, और लंबे चौड़े क्या क्या बातें करते हैं, हमारे आज के फॉरेन कल्चर के हिसाब से, वो तुम्हारा कभी पेरेंट्स डे, तो कभी मदर्स डे, तो कभी वर्ल्ड एड्स डे, तो कभी रेड क्रॉस डे, तो कभी क्या डे, ये सब उसी भाईचारे वाले बात को निभाने के लिए, और उसका महत्व बताने, कभी नेचर्स डे, तो कभी क्या क्या, वो अगर तारीख लिखने लगोगे ना हर दिन, तो मतलब 365 दिन में कम से कम 400 डे हम मनाते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं, वो दिन आया हमने मना दिया, हमने मनाया उसका महत्व बताने के लिए, उसका समन्वय बताने, उसके माध्यम से समन्वय करने के लिए, लेकिन समन्वय नहीं हुआ। वही बात हमारी भारतीय और हमारी संस्कृति में बताई जाती है, सत और चित और आनंद वाली बात, एक दूसरे के सुख दुख के समन्वय में हम सीखते हैं हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के, हमारे अंदर इच्छा ज्ञान का समन्वय है,
हमारे अंदर कर्म का समन्वय, हमारे अंदर मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति सत्यम शिवम और सुंदरम का समन्वय देखती है, सत चित और अनंत का समन्वय देखती है। ये पाठ हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से हम पढ़ते हैं, जो कि हमारी परंपरा रही। ऐसे ही नहीं, भारत की धरती को, भारत की माटी को वो पवित्र संस्कृति वाला देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम। तीसरा पॉइंट है प्रकृति प्रेम। नेचर से हम कितना प्यार करते हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। सुबह उठते ही आप नेचर के साथ शुरू हो जाते हैं, आप अपने पेड़ पौधों में पानी देते हो, अपने गमलों में पानी देते हो। कहने का मतलब बचपन से लेकर के मृत्यु तक प्रकृति हमारे साथ है। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता ने वो लकड़ी की गाड़ी 3 पहियों वाली मेरे सामने रख दी, भाई तू इससे चलना सीखेगा। मुझसे मेरे माता पिता ने उन 3 पहियों वाली गाड़ी से मुझे चलना सिखाया। मैं और बड़ा हो गया वो लकड़ी की गाड़ी से चलते चलते और बड़ा हो गया। उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरे पढ़ने के लिए वो लकड़ी की कुर्सी बना दी, मैं उस पर बैठकर पढ़ने लगा। अब तक मैं अपने माता पिता के गोद में सोता था, लेकिन जब मैं और बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए लकड़ी की चौकी बनानी, तख्त बनवा दी। वे लकड़ी पर सो, तख्त पर सो, चटाई बिछा करके सो, मैं लकड़ी पर सोने लगा, तख्त पर सोने लगा। और जब बड़ा हुआ तो मेरे लिए मेरे माता पिता ने घर बनाया, घर बनाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां भी लकड़ी के बने, है ना, दरवाजे और खिड़कियां भी लकड़ी के बने। और बड़ा हुआ, जीवनचर्या मैंने मेरी चली, उसके बाद मेरे एक दिन मेरा देहांत हो गया, और जिस दिन मेरा देहांत हुआ उस दिन मेरी अर्थी भी लकड़ी की बनी। और जब मेरी अर्थी सजाई गई और मुझे जब आग लगाया गया तो भी लकड़ी से ही लगाया गया, मुझे जब आग लगाया गया तो भी लकड़ी से ही लगाया गया। यानी बचपन से लेकर मृत्यु तक, आरंभ से लेकर आदि से लेकर अंत तक प्रकृति मेरे साथ है। और प्रकृति के साथ हम भारतीय कितना जुड़े हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हम नदियों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पत्ते की पूजा करते हैं, बट सावित्री की पूजा करते हैं, किसी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, किसकी पूजा हम नहीं करते। विदेशों में इतना होता है, इसलिए कवियों ने कहा कि भारतवर्ष वो सबसे न्यारा सबसे प्यारा देश हमारा। जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वो 1984 में कि 85 में गए थे आकाश अंतरिक्ष में, तो उस वक्त इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, वही राकेश शर्मा जी, आपको भारत कैसा दिख रहा है, आपको भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था मालूम है? तब उन्होंने क्या जवाब दिया था मालूम किसी को? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही चंद पंक्तियां उन्होंने कही थी। आज देखो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की हालत क्या है, कितने बदनसीब हो गए हैं। सारी बुराइयां कि जब बात होती है तो बुराई की लिस्ट में हमारा नाम होता है, भ्रष्टाचार की जब बात होती है भ्रष्टाचार के लिस्ट में हमारा नाम होता है, दुष्कर्म की बात आती है तो दुष्कर्म के में हमारा नाम होता है। खैर छोड़ी, तो ये भारतीय साहित्य का इतिहास को पढ़ने के लिए हमें
इस भारतीय संस्कृति को हमको जानना पड़ता है। और संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति को मैं चार पंक्तियों में आपको बताना चाहता हूं, मात्र चार पंक्तियों में मैं अपनी भारतीय संस्कृति को बताऊंगा। उसके बाद हम हमारा पहला यूनिट जो है काल विभाजन और नामकरण की चर्चा कि अगर आप चार रोटी खाते हैं, उदय पाणिग्राही जी, जी सर, सुन रहा हूँ सर, सुन हाँ, रहा हूँ आपको सुनाने के लिए चार पंक्तियां मैं बोल रहा हूं। जी सर। जब मैं चार रोटी खाता हूं, अरे क्या, जब जब आप चार रोटी खाते हैं तब वो आपकी प्रकृति होती है। जब आप चार रोटी खाते हैं तब वो आपकी प्रकृति कहलाती है। जब आप आठ रोटी खाते हैं तब वो आपकी विकृति कहलाती है। जब आप चार रोटी खाते हैं तब वो आपकी प्रकृति कहलाती है, और जब आप आठ रोटी खाते हैं तब आपकी विकृति कहलाती है, और जब आप दो रोटी खुद खाते हैं और दो पड़ोसी को खिलाते हैं तो वही आपकी संस्कृति कहलाती है। यह है संस्कृति की परिभाषा, भाईचारे की परिभाषा। ये मेरा देश ऐसा ही था, विडंबना की बात अलग है। हेडिंग दीजिए, काल विभाजन नामकरण। काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण हेडिंग दीजिए। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हो गया? अच्छा, तो देखिए क्या होता है कि काल विभाजन तो हम लोगों ने पहले थोड़ी सी चर्चा की है कि हिंदी साहित्य के चार भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, है ना। तो उसको हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ऐसे आधुनिक किया गया, वो कैसे किया गया, उसका नामकरण कैसे हुआ। वैसे भी अमूमन आप देखते होंगे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की प्रवृत्ति को देख करके, बच्चे की प्रकृति को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके हम उसका नामकरण कर देते हैं। एकदम सरल शब्द में आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई वर्षा, अरे बरसात के महीने में कोई बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत उसका नाम हम बरसात रख देते हैं। लड़का पैदा हुआ तो भी उसका नाम बरसा, लड़की पैदा हुई तो भी उसका नाम बरसा। पूर्णिमा की रात को कोई पैदा हुआ तो उसका नाम, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम चांद रख दिया, और लड़की पैदा हुई तो उसका नाम हमने चांदनी रख दिया, उसका नाम हमने पूर्णिमा रख दिया। ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी हमारे विद्वानों ने, हमारे आलोचकों ने काल विभाजन किया है, और उसमें दो चार नाम पहले लिखिए आप। जो शुरू शुरू में, जब काल विभाजन के पहले हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ आलोचकों द्वारा, विद्वानों द्वारा लिखा गया, जिसमें पहला नाम आता है गारसा द तासी। गारसा द तासी, फ्रांसीसी विद्वान। गारसा द तासी, फ्रांसीसी विद्वान। उनकी पुस्तक का नाम लिखिए, जरा टेढ़ा मेढ़ा है, हिसाब से लिखेंगे। इस्तवार, इस्तवार द ला लितरेत्यूर, लितरेत्यूर, लितरेतु त्यूर, एंदुई, एंदुई ए इंदुस्तानी,
हिंदुस्तानी। इस त्वार दलाल इतरे त्यूर एंदुई ए हिंदुस्तान हिंदुस्तानी। ये सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक गार्सा दत्तास ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर नीचे लिखो, शिव 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 सिंह सेंगर 1883 में शिव सिंह सेंगर 1883 में लिखा। उसके बाद लिखो 1889 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन, ये नाम याद रखना। जॉर्ज ग्रियर्सन, उनकी पुस्तक का नाम लिखिए मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, मॉडर्न वर्नाकुलर वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान। उसके बाद नीचे लिखो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित, ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, आपको मटेरियल में आपको डिटेल मिल जाएगा। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद। जिसमें 500 कवियों पर प्रकाश डाला गया। जिसमें 500 कवियों पर प्रकाश डाला गया। जी उसी प्रकार आगे बहुत सारे लोग आए, रामचंद्र शुक्ल आए, गुलाब राय आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और तमाम लोग आए, उसको आप देखना बाद में। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जॉर्ज ग्रियर्सन, फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी, ऐसे बहुत सारे विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर इंडियन लिटरेचर पर जो हम नहीं पढ़ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जरूरत है आपको उसको रिसर्च करने की। आज भी अगर इंग्लैंड की लाइब्रेरी में आकर आप खोल कर देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी हमें ऐसे ही मिलेगी जिसको बहुत सारे अंग्रेजी राइटर लोग लिख के जा चुके। चाइना के पुरानी पुस्तकों को अगर खंगालोगे तो बहुत सारी चीजें हमारे भारतीयता के बारे में मिलेगी। फ्रांस में जाओगे, इटली में जाओगे, वहां पर पुरानी पुस्तकों को निकालोगे तो वहां पर पुराने पुस्तकों ने, जैसे कब ह्वेनसांग आए थे, कब और कौन विदेशी लोग आए थे, तो उसको जब पुस्तकों को रिसर्च करोगे तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी। और ऐसा मत समझना कि हम लोग यहाँ पर मतलब अपने इतिहास पढ़ रहे हैं तो विदेशों में लोग भारत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। विदेशों में लोग भी भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और विदेशों में भी लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले वो नेट पे देख रहा था कि जापान जापान के कुछ यूनिवर्सिटीज में, जापान के कुछ विश्वविद्यालय में वहां पर हिंदी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे विद्वान वहां पढ़ा रहे हैं। हमारे विद्वान तो है ही जो कभी कभी जाते हैं और विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, और वहां के भी जो जापानी हिंदी विद्वान है वो वहां पर पढ़ाते हैं। कभी नेट सर्च करके देखना। और उसके बाद जापानी बच्चे लोग अधिकतर, मैं उन्हें उस दिन देखा कि वो लोग मीराबाई को ज्यादा मतलब फॉलो कर रहे हैं और इस तरफ तो आदिकाल को लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ, आवश्यकता है हमें रिसर्च करने की। तो इस प्रकार ये था हमारे भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुराने लोगों ने लिखा। उसके बाद नामकरण कैसे हुआ। नंबर वन लिखो, नंबर वन लिखिए ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, भारत
किसी ने म्यूट नहीं किया है, ये सलमा परवीन है, म्यूट नहीं की इसलिए आवाज नहीं। हाँ भाई अब म्यूट करो भाई, इसीलिए क्लियर नहीं आ रहा। सलमा सायमा म्यूट करो। सायमा नंबर वन, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हाइफेन, यानी जो विद्वानों ने जो नामकरण किए ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हाइफेन, आदिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल। नंबर टू, नंबर टू, शासक और उसके शासन काल के अनुसार, शासक और उसके शासन काल के अनुसार उसमें लिखिए एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग। इसको आप समझ जाएंगे, शासक और उसके शासन काल के अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग। फिर से बोले। शासक और उसके शासन काल के अनुसार हाइफेन, एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग। नंबर जी थ्री, सर, नंबर थ्री, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार चैतन्य काल, गांधी काल इत्यादि। चैतन्य काल, गांधी काल इत्यादि। नंबर फोर, साहित्य नेता और, साहित्य नेता और उसके प्रभाव के अनुसार, साहित्य नेता और उसके प्रभाव के अनुसार वहां लिखिए रविंद्र युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग इत्यादि। छायावाद में प्रसाद युग लिख सकते हो। नंबर पांच, राष्ट्रीय सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना, राष्ट्रीय सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के अनुसार हाइफेन, भक्ति काल,
राष्ट्रीय सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के अनुसार हाइफेन भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, स्वातंत्र्योत्तर काल। स्वातंत्र्योत्तर काल, उसके बाद लिखिए साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार। साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार रोमानी युग, रीतिकाल युग, छायावाद युग इत्यादि। हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। संचित चित्त वृत्ति का संचित चित्त प्रतिबिंब होता है। संचित चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही सामंजस्य दिखाना ही उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा है। नंबर 1 आदिकाल,
ब्रैकेट में लिखिए, वीर गाथा काल संबत 1050 से 1375 जो हम लोग लिख चुके हैं पहले। आदिकाल ब्रैकेट में वीर गाथा काल संबत 1050 से 1375। नंबर टू, पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल ब्रैकेट में लिखिए भक्ति काल संबत 1375 से 1700। पूर्व मध्य काल ब्रैकेट में भक्ति काल संबत 1375 से 1700। नंबर थ्री, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल ब्रैकेट में लिखिए रीति काल संबत 1700 से 1900। सत्रह सौ से 1900। नंबर चार, आधुनिक काल, आधुनिक काल ब्रैकेट में लिखिए गद्य काल 1900 से 1984। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज, अब इसमें ये इसमें मतलब इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आदिकाल में वो उन्होंने वीरगाथा काल नाम रखा है। तो वीरगाथा काल इसलिए नाम रखा क्योंकि उस वक्त युद्ध का जमाना था, महान महान राजा लोग निवास करते थे और एक साम्राज्य को दूसरे साम्राज्य के साथ मिलाने की कोशिश करते थे। इसलिए अपने साम्राज्य में क्योंकि मिलाना चाहते थे, इसलिए हर राजा एक दूसरे से युद्ध किया करता था, लड़ाई किया करता था। इसलिए क्योंकि उस काल में लड़ाइयां बहुत हुआ करती थी, इसलिए उसको वीर गाथा काल नाम दे दिया गया। वहां पर आप पुस्तकों का नाम आप दे देना, जैसे हमीर रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब नाम आप वहां पर दे करके उसको आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखा है क्या, भक्ति काल लिखा है। हमने चर्चा की थी कि अंग्रेजों के समय के पहले ही भारतीय मतलब महाद्वीप में मुसलमानों का मुगलकालीन शासकों का आगमन हो गया था और तुम्हारे ये पुर्तगालियों का आगमन हो गया था। तो देश की जनता त्राही त्राही करने लगी, कहाँ जाए क्या करे, और ऐसे में उसके सामने भक्ति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और तब वो सूरदास और रिवर्स लोग जन्म लेते हैं और अपने अपने उपदेशों से, अपने अपने वाणियों से जनता के अंदर भक्ति की गंगा बहाते हैं। तत्पश्चात रीतिकाल में मुगलकालीन शासक पूरे देश में फैल गए। सोने की चिड़िया तो थी ही ये, बस उनके पास पैसा ही पैसा था, स्वर्ण मुद्राएं ही थी, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब अधिक पैसा किसी के पास होता है तो केवल वो भोग विलास में ही डूबा रहता है। रीतिकाल में कभी लोग भी भोग विलास में डूबे रहे, लेकिन उनकी एक बड़ी बात ये थी कि वो लोग मतलब क्या ये तुम्हारा साहित्य प्रेमी थी, इसलिए अपने दरबार में वो रीतिकाल ये कवि, बिहारी कवि, रहीमदास कवि और कालिदास जैसे कितने कवियों को लोग रखा करते थे, जो दरबारी कवि कहलाते और कविता के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। और आधुनिक काल तो आप पढ़ ही चुके, बस वही सब लिखना है। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल की पृष्ठभूमि।
मतलब देखो, ये आदिकाल की पृष्ठभूमि जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं हम, ये इसको तुम आरंभ करना सम्राट हर्षवर्धन से। सम्राट हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई 643 ईस्वी में, उसके बाद तुम वहां लिख सकते हो, पहले लिखो राजनीतिक परिस्थिति। तीन परिस्थिति को देना है, राजनीतिक परिस्थिति जिसमें आप लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शक्ति का नष्ट होना, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शक्ति का नष्ट होना, राजा मिहिर भोज द्वारा, दूसरा पॉइंट, राजा मिहिर भोज द्वारा बिखरे सूत्रों को संग्रहित करना, सर राजा क्या बोले? हाँ राजा मिहिर भोज, 9वीं शताब्दी, राजा मिहिर भोज द्वारा बिखरे सूत्रों को संग्रहित करना और व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करना, मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करना, और धीरे धीरे सिंह के राजा क्या बोले सर? धीरे धीरे कच्छ से लेकर उत्तरी भारत तक अपने कब्जे में करना। धीरे 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 कच्छ से लेकर, यानी गुजरात से लेकर, गुजरात से लेकर उत्तर भारत तक प्रवेश कर जाना और अपना अधिकार जमाना, जैसा भी आप लिखे। दसवीं शताब्दी में महमूद गजनवी गजनी का आगमन, सोमनाथ मंदिर का लूटा जाना, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, और लगभग पूरे उत्तर भारत में, लगभग पूरे उत्तर भारत में मुसलमानों की विजय पताका का फहराना। पूरे उत्तर भारत में मुसलमानों की विजय पताका फहराना, ये आदिकाल की पृष्ठभूमि थी। उसको आप अपने इतिहास किताब में पढ़ना, मेटेरियल में आप पढ़ना। उसके बाद लिखो धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति में लिखिए, एक एक करके नीचे नीचे लिखते जाना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आदर्श, से पीछे हटना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अपने आदर्शों से पीछे हटना, पीछे हटना,
शंकराचार्य के विरोध के कारण बौद्ध धर्म अपने उपदेशों का परित्याग कर बौद्ध धर्म अपने उपदेशों का परित्याग कर यंत्र मंत्र और तंत्र की सिद्धियों में फंस गया। यंत्र मंत्र और तंत्र की सिद्धियों में फंस गया। फिर नीचे लिखो, हीनयान, महायान, सहजयान, वज्रयान, मंत्रयान। हीनयान, महायान, सहजयान जैसे कई रूप धारण किए। जैसे क्या बोले सिद्धि सर? लाभ के जैसे कई रूप धारण किए, यानी धीरे धीरे वो बढ़ता गया, टुकड़ों में बढ़ता गया। अलग अलग व्यक्ति निकले, अलग अलग उनके प्रचार होते गए, अपने अपने मतों को लोग प्रभावित कर फैलाते गए। सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप किया। नारियों के साथ समागम को, नेक्स्ट पॉइंट, नारियों के साथ समागम को सिद्धि का महत्वपूर्ण विधान माना गया। नारियों सर के तो साथ नारियों के नारियों साथ के सर बाद में क्या बोले? नारियों के साथ समागम को सिद्धि का नारियों के साथ समागम को सिद्धि का महत्वपूर्ण विधान माना गया। कामुकता को बढ़ावा मिला। कामुकता को बढ़ावा मिला। और जनता को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। और जनता को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। जनता को इधर जनता को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। फिर उसके बाद लिखिए, सारा समाज विकारग्रस्त हो गया। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य अपने प्रचार प्रसार में लीन थे। नेक्स्ट पॉइंट, और सभी एक दूसरे की निंदा प्रतिनिंदा में और सभी एक दूसरे की निंदा प्रतिनिंदा में अपना समय नष्ट करने लगे। उसके बाद लिखिए, सामाजिक परिस्थिति।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और जरा सोच विचार के लिखना और जरा चिंतन मनन करना कि, और मालूम पर चलेगा कि तुम्हारे समाज की सच्चाई क्या है, तुम्हारे समाज की हकीकत क्या है। इस युग में धर्म के प्राधान्य के कारण, इस युग में धर्म के प्राधान्य के कारण जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर, इस युग में धर्म के प्राधान्य के कारण जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई। बहुत वैल्यूबल लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझिए। मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे, यानी क्या बोल रहे हैं कि इस युग में धर्म के प्राधान्य के कारण जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर, यानी जब ये लोग बने, परिवार बना, गांव देहात बने, नगर बने, तब से जाति किस पर आधारित थी? उस व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है, उसके अंदर वो गुण है, वो हुनर है, तो उसको बढ़ई बता दिया गया। अगर कोई चमड़े का काम करता है, उसमें एक्सपर्ट है, तो उसको चमार बोल दिया गया। कोई सोने के काम में एक्सपर्ट है, सोना काम करता है, तो सोने तो उसको सोनार कह दिया गया। कोई लोहे काम में एक्सपर्ट है, तो उसको लोहार कह दिया गया। कोई पूजा पाठ के काम है, तो उसको फिर पंडित कह दिया गया, या उसको ब्राह्मण कह दिया गया। लेकिन अब क्या हो गया? अब वही चीज वर्ण के आधार पर निरूपित हो गई। समय बदल गया। अब आप ब्राह्मण तभी कहलाएंगे जब आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो, क्षत्रिय तभी कहलाएंगे जब क्षत्रिय कुल में पैदा होंगे। भले ही आप क्षत्रिय कुल में पैदा होने के साथ साथ क्षत्रिय का धर्म नहीं जानते हो, या ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो ब्राह्मण का आप एक श्लोक भी नहीं जानते हो, या ब्राह्मण का जो धर्म नहीं जानते हो, या कुछ भी आप ब्राह्मण का जो धर्म होना चाहिए वो आपको नहीं मालूम, या वो वैश्य के वंश में पैदा हुए तो आपको वंश वैश्य का कुछ नहीं मालूम, उसे कोई मतलब नहीं। आप उस कुल में पैदा हुए मतलब आप वो हैं। ये जमाना हो गया, इसलिए सब कुछ उलट पलट हो गया। और आज ये हो गया तरीका, मतलब स्थिति ये हो गई कि सबको अपना वंश बदलना पड़ रहा है। उसके वंश से उसे खाने पीने को नहीं मिलता, उसके वंश से उसको क्षत्रिय है तो वो देश की रक्षा नहीं कर पाता, अगर ब्राह्मण है या पंडित है पुजारी है तो वो अपना उसने अपनी पूजा पाठ संस्कृति छोड़ दी है, उसने ज्ञान बांटना छोड़ दिया है उसने, या अगर वैश्य है तो वो जो उसका जो काम है वो करना उसने छोड़ दिया है। लोग नौकरी के पीछे भाग, अंग्रेज हमको हमको बर्बाद करके चले, भाई भागो, पैसे के पीछे भागो, मशीन के पीछे भागो, औद्योगिकरण के पीछे भागो, नगर से निकलो, जंगलों से निकलो, शहर बसाओ, सिटी बसाओ, महानगर बसाओ। और हमने उसी दिन से अपनी सभ्यता खोई, अपनी परंपरा खोई। वसुधैव कुटुंबकम का नारा वही का वही रह गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र, देवता वाली बात वही का वही रहेगी। कह रहा चलिए बोलूंगा तो बोलते रह जाओ। वर्ण के आधार पर निरूपित की गई, एक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। एक जाति अनेक जातियों में, अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। एक एक पॉइंट करके नीचे नीचे लिखना तो आप उसको फिर एनलार्ज कर सकोगे। फिर नीचे लिखो, छुआछूत के नियम कड़े होने लगे।
नारियां पुरुष के समान अपना शौर्य प्रदर्शन करने लगी, नारियां पुरुष के समान अपना शौर्य प्रदर्शन करने लगी। राजपूत वीरता की भावना से ओतप्रोत थे। राजाओं का समय रंगरेलियों में व्यतीत रेलियों में होता। व्यतीत होता। सर राजपूत क्या बोले? राजपूत राजपूत वीरता की भावना वीरता। से ओतप्रोत वीरता की भावना से ओतप्रोत थी। राजपूत वीरता की भावना से ओतप्रोत थे। राजाओं का समय उपपत्नियों के साथ रंगरेलियों में बीतता। राजाओं का समय उपपत्नियों के साथ रंगरेलियों में बीतता। बहुविवाह की परंपरा चल रही थी। उसके बाद लिखो साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थितियां, संस्कृत साहित्य की प्रचुर मात्रा। साहित्य संस्कृत की प्रचुर मात्रा। फिर लिखो ज्योतिष दर्शन पर अनेक टीकाएं लिखी गई। फिर लिखो क्षेमेंद्र, कुंतक, विश्वनाथ। क्षेमेंद्र, कुंतक, विश्वनाथ, जयदेव। आदि कवि आचार्य इसी समय हुए। उसके बाद ये खत्म हो गया। उसको आप मेटेरियल में देखना, लंबा चौड़ा करना। उसके बाद आप लिखिए हेडिंग दो, सिद्ध नाथ और जैन साहित्य। सिद्ध नाथ और जैन साहित्य। लिखे जी सर गौतम बुद्ध के निर्वाण। गौतम महानिर्वाण जिसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध के महानिर्वाण के 45 वर्ष बाद बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार और प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार और प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का उदय, वैदिक कर्मकांड की जटिलता। बौद्ध धर्म का उदय, वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। जिसने केवल जिसने पूरे विश्व में
इसने पूरे विश्व में अपनी कीर्ति पताका फहरा दी। परंतु धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा। और तंत्र मंत्र के माध्यम से जनता को विमुग्ध करना आरंभ किया। सर जनता को क्या बोले सर? जनता को विमुग्ध, और जो लोग तुमने देखा होगा ना, वो झाड़ फूक भूत प्रेत जादू टोना सब करते हैं ना, ये सब यही लोग हैं, सिद्ध लोग। जो तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो वो आग पर चलते हैं और पानी पर चलते हैं, ये सब यही लोग करते हैं, पूरा सिद्ध लोग होते हैं। इसने समाधि यंत्र मंत्र, इसने समाधि यंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी डाकिनी शाकिनी मध्य मैथुन यंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी मध्य मैथुन में स्वयं को उलझाकर सदाचार को नष्ट कर दिया। स्वयं को क्या सर? नष्ट कर दिया, स्वयं को नष्ट कर दिया, और मंत्र यान की स्थापना की, और मंत्र यान की स्थापना की। दक्षिण भारत का श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र था। दक्षिण भारत सिद्धों का प्रधान केंद्र था। दक्षिण भारत क्या पर्वत बोले? श्री पर्वत, श्री पर्वत, दक्षिण भारत का श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र था। इनका समय 797 से 1257 माना गया है। संवत, विक्रम संवत 797 से 1257 माना गया है। सर एक बार फिर से बोलिएगा। अब तक मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धों मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले 84 सिद्ध योगी हुए हैं। 84 सिद्ध योगी हुए हैं। चौरासी सिद्ध योगी हुए हैं। जिनके नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा होता है, जिनके नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा होता है, जैसे सरहपा शबरपा आदि। जैसे जैसे सरहपा शबरपा आदि। उसके बाद लिखो
हेडिंग देना सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां। नंबर 1, वेद सम्मत और ब्राह्मण सम्मत धर्म की अवहेलना। वेद सम्मत ब्राह्मण सम्मत धर्म की अवहेलना। अवहेलना काया साधना का वर्णन। तांत्रिक तत्वों का समावेश। नंबर 2, पंच मकार की युगनध्यता की व्याख्या। पंच मकार के अंतर्गत युगनध्यता की व्याख्या, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की। एकदम फिलोसॉफी है ये, तह तक आप समझना। पंचमाकार के अंतर्गत युगनध्यता की व्याख्या मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना। पंचमकार क्या है आप लिखो, मध्य, नीचे नीचे लिखना, मध्य। मध्य यानी सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा। मध्य सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा। नंबर 2, मांस। पंच मकार वही 5 मौ जो है। मांस, मांस का अर्थ लिखिए ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। उसके बाद लिखो मत्स्य। मत्स्य ईड़ा पिंगला में प्रवाहित श्वास। ईड़ा पिंगला में प्रवाहित श्वास। उसको लिखो मुद्रा। मुद्रा असत्य का परित्याग। असत्य का परित्याग। उसके बाद लिखो मैथुन। मैथुन सहस्रार पे स्थित। सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडलिनी का शक्ति योग। शिव तथा कुंडलिनी का शक्ति योग। लिखे। अच्छा, जी सर। यहाँ एक शब्द है, ये जितना लिखे आप उस एक शब्द को समझाऊंगा तो आप समझ में आ जाएंगे। एक शब्द आपने ऊपर में लिखा है, पंचमकार के अंतर्गत युगनध्यता की व्याख्या मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। ये युगनध्यता का मतलब कोई भी विद्वान अगर जानता हो तो। सुनिए, आप लोग सभी के सभी जितने यहां बैठे, 99 पॉइंट सारे के सारे बच्चे आप सभी उड़ीसा के रहने वाले, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है।
और उड़ीसा में रहने के कारण आप लोगों ने जरूर अब तक की जिंदगी में एक बार आप ये कोणार्क मंदिर आप जरूर गए हो, गए हो? जी सर सब लोग गए होंगे जरूर एक बार, अब तक की 20-25 साल की जिंदगी में एक बार जरूर गए होंगे। वहां पर आपने बहुत सारा बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समझा होगा। आप जो सोच के गए, जो समझ के गए वहां वो नहीं मिला, और जो आप नहीं सोचे, जो नहीं समझे, तो वो चीज आपको वहां देखने को मिली। आपने क्या देखा? आपने देखा कि पत्थर की मूर्तियों में, अरे पत्थरों में जो मूर्तियां खुदी हुई हैं, वो स्त्री पुरुष के संभोग की, स्त्री पुरुष के सेक्सुअल जो रिलेशन है, उस शारीरिक संबंधों को वहां पर चित्रित किया गया है। यहां तक कि उस शारीरिक संबंधों के हर क्रियाओं को वहां पर चित्रित किया गया है। उसमें आगे आपने लिखा है जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की। तो आपने जो वहां पर चित्रों को देखा, भाई मंदिर है वहां पर, सिद्ध की बात हो रही है, याद रखना, सिद्ध की बात हो रही है। सिद्ध कैसे बनते हैं, ये उनका विचार था, ये सब उसी के अंतर्गत। तो वहां पर जो आपने कोणार्क मंदिर में अंदर से लेकर बाहर तक पूरा हर जगह अनेक मुद्राएं स्त्री पुरुष के क्रियाकलापों की, उसको देखा, तो जरूर आपके मन में ये प्रश्न हुआ होगा कि भाई ये मंदिर है और इस मंदिर में ऐसी आकृतियां क्यों, ऐसी कलाकृतियां क्यों, ये तो खराब है, ये तो वासना है, ये तो सेक्स है, ये इस तरह की, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक मंदिर में विश्व का प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर पत्थर में खुदा हुआ है, सारे के सारे 84 आसन वहां पर कलाकारों ने, उस जमाने कलाकारों ने बना दिया, क्यों क्यों बनाया वहां पर उन्होंने? कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ इतना ये सोचे होंगे जरूर, जब वहां पर जाते हैं आप वहां फोटो खिंचवाते हैं, वो अपने किसी फोटो के साथ लग करके, किसी फोटो के साथ लग करके फिर अपने दोस्तों को, मित्रों को दिखाते हैं और मजे लेते हैं, आ देख यार ऐसा ऐसा फोटो देख। वहां पर फोटोग्राफर आएगा, वो आ गया, ये देखो तू कहते बढ़िया फोटो अच्छी, ये देखो तू कहते सेक्सुअल फोटो अच्छी, अब नहीं नहीं दोस्तों का पूरे टंगा नहीं नहीं तू। वो उसका बिजनेस कर रहा है, लेकिन उस मंदिर के अंदर, इतना तो आप मानते हैं कि पुराने जमाने के लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी थे, हमसे ज्यादा